you <music> आप देख रहे हैं आज की खबर और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ राज्यसभा से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव बिना संशोधन के मंजूर बहस का प्रधानमंत्री ने दिया जवाब देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने की जताई प्रतिबद्धता मुंडेई मोटर कंपनी के आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर कोरियाई विदेश मंत्री ने जताया खेद विदेश मंत्री एस जयशंकर को किया फोन सरकार ने कहा साफ साफ माफी मांगे कंपनी उत्तर प्रदेश में पहले दौर के मतदान के लिए थमा चुनाव प्रचार यूपी और गोवा के लिए बीजेपी ने जारी किया लोक कल्याण संकल्प पत्र समाजवादी पार्टी का भी घोषणा पत्र जारी प्रधानमंत्री ने की उत्तर प्रदेश पंजाब और उत्तराखंड में वर्चुअल माध्यम से रैलियां यूपी में ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के लिए किया प्रचार तो मेरठ में प्रियंका गांधी का जनसंपर्क अभियान 2008 में अहमदाबाद में सिलसिलेवार धमाके के मामले में उनचास दोषी करार 28 बरी धमाकों में छप्पन लोगों की हुई थी मौत और अब खबरें विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया है चर्चा के बाद उच्च सदन ने सभी संशोधनों को नामंजूर करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की प्रगति तब और मजबूत होगी जब देश के विकास को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद का गठन देश के मजबूत संघीय ढांचे का सबसे बड़ा उदाहरण है हम संकीर्ण सोच के साथ काम करने वाले लोग नहीं हैं हमारी सोच में राष्ट्रीय रक्षा राष्ट्रीय टारगेट और रीजनल एस्पिरेशंस उसके बीच में हम कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखते हैं महंगाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 सालों में आई दुनिया की सबसे बड़ी महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया लेकिन सरकार ने महंगाई नियंत्रण का ईमानदार प्रयास किया यूपीए सरकार के समय महंगाई डबल डिजिट छू रही थी आज हाई ग्रोथ और मध्यम मुद्रास्फीति है हम एकमात्र बड़ी इकोनॉमी है जो हाई ग्रोथ और मीडियम इन्फ्लेशन अनुभव कर रहे हैं बाकी दुनिया की इकोनॉमी को देखें तो वहां की अर्थव्यवस्थाओं में या तो ग्रोथ स्लो हुई है या फिर महंगाई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की दुर्दशा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब तक सत्ता में रही तो उसने देश का विकास नहीं होने दिया और विपक्ष में रहकर भी देश के विकास में बाधा डाल रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों से है अगर महात्मा गांधी के इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक होता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि कोविड टीकाकरण से मृत्यु दर और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में कमी आई है राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि महामारी की तीसरी लहर के दौरान कोविड टीकाकरण ने एक अहम भूमिका निभाई है वैक्सीन लेने वाले निन्यानवे प्रतिशत ऐसी अधिक लोग सुरक्षित थे माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश में आज वयस्क लोगों को 97.5 परसेंट फर्स्ट डोज लग चुका है और 77 परसेंट लोगों को सेकंड डोज लग लग चुका है विश्व के डेवलप्ड कंट्री में भी 90 परसेंट से एबो फर्स्ट डोज नहीं लगा है वहीं भारत ने कार निर्माता कंपनी हुंडई की पाकिस्तान इकाई की तरफ से कश्मीर को लेकर सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट को लेकर दक्षिण कोरियाई से बड़ी नाराजगी जताई है आज दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चोंग वुई योंग ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन कर अपनी तरफ से खेद जताया इसके पहले कल विदेश मंत्रालय ने दक्षिण कोरिया के राजदूत को तलब किया था और इस तरह की अस्वीकार्य पोस्ट को लेकर कड़ी आपत्ति की थी दक्षिण कोरिया के राजदूत से कहा गया था कि यह मामला भारत की क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ा है जिससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता सियोल स्थित भारतीय दूतावास ने भी इसे लेकर कोरिया स्थित कंपनी से जवाब तलब किया है हुंडई मोटर्स ने बयान जारी कर भारत के लोगों से गहरा खेद जताया है राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया गया जिस पर सरकार ने अपना रुख साफ किया है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश पंजाब और उत्तराखंड में वर्चुअल माध्यम से रैलियों को संबोधित किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के उद्धम सिंह नगर और नैनीताल के मतदाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चुनाव इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगा ये चुनाव अगले पच्चीस साल की बुनियाद को मजबूत करेगा दिल्ली में ये अनेक दशकों तक सत्ता में रहे इनके नेता यहाँ सैर सपाटे के लिए आते रहे लेकिन तब इनको न उत्तराखंड की याद आई न उत्तराखंड के तीर्थ क्षेत्रों की याद आई न उत्तराखंड के टूरिज्म की याद आई न ही इनको चार धाम की याद आई उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का घोषणा पत्र लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम से जारी किया है पार्टी के नए संकल्प पत्र में कथित लव जिहाद के दोषी लोगों को कम से कम दस वर्षों की सजा और एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान करने अयोध्या में भगवान राम से संबंधित संस्कृति शास्त्रों और धार्मिक तथ्यों पर शोध के लिए रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना करने और 2025 के महाकुंभ का विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ भव्य आयोजन करने का वादा किया है इसके अलावा संकल्प पत्र में अगले पांच वर्षों तक किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का वादा भी किया गया है दो का संकल्प पत्र घोषित करने के पहले मैं फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सताईस में जो भी हमारा संकल्प पत्र लेकर आएगा मगर जो भी लेकर आएगा ये 2022 के संकल्प पत्र का हमारा परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड बेटर करकर कर आएगा बयानवे प्रतिशत से हम कुछ आगे भी बढ़ेंगे वहीं अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है समाजवादी पार्टी वचन पत्र नाम से जारी इस संकल्प पत्र की टैगलाइन सत्य वचन अटूट वादा रखा गया है घोषणा पत्र में किसानों के कर्ज माफी समेत कई वादे किए गए हैं प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए हर जिले में मॉडल स्कूल खोलने के अलावा बारहवीं पास सभी छात्र छात्राओं को लैपटॉप देने का भी वादा किया गया है सभी किसानों को चार साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा ऋण मुक्ति कानून बनाकर के अत्यंत गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा और अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज उत्तर प्रदेश के आगरा में डोर टू डोर कैंपेन कर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की उनके साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे उन्होंने लोगों से संवाद कर बताया कि गांव गरीब तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया हस्तिनापुर में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने विधानसभा चुनाव में जीत की उम्मीद जताई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर वादा खिलाफी और इतिहास बदलने का आरोप लगाया ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है पार्टी ने बलिया बस्ती देवरिया कुशीनगर चंदौली मऊ और महाराजगंज जिले के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है पीठ ने आजम खान को संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाने और जमानत याचिकाओं के लिए शीघ्र निपटान के लिए अनुरोध करने की इजाजत दी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज उत्तराखंड के गंगोलीहाट में चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत बाकी पार्टियां घर का साथ खुद का विकास सब पर अविश्वास और अकेला प्रयास के सहारे चुनाव लड़ रही है उन्होंने कहा कि जनता का पुष्कर सिंह धामी पर विश्वास बरकरार है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तराखंड के लोगों से एक मौका देने की अपील की उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने उत्तराखंड की अनदेखी की है ऐसे में प्रदेश के विकास के लिए लोगों को उनकी पार्टी को एक मौका देना चाहिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी 11 फरवरी को गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेन करेंगे गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है ऐसे में चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने से पहले राहुल गांधी यहां प्रचार करेंगे मणिपुर के सूचना मंत्री थोंगम बिस्वजीत सिंह ने थोगंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है यहाँ सत्ताईस फरवरी और तीन मार्च को दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं आज की खबर में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राज्यों की खबरें साथ ही जानेंगे यूक्रेन और रूस संकट के समाधान के लिए कौन कौन है जुटा और क्या है चीन में अभी कोरोना इंपैक्ट ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है बजट सत्र की शुरुआत सुबह ग्यारह बजे राज्यपाल के अभिभाषण से होगी सदन के कामकाज पर फैसला करने के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी तमिलनाडु विधानसभा ने नीट विरोधी विधेयक फिर से पारित कर दिया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने विधेयक पारित करने का प्रस्ताव पेश किया जिसे पारित कर दिया गया बीजेपी ने इसके विरोध में वॉकआउट किया कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने दिल्ली में अंतर्राज्यीय नदीय जल विवादों पर एक बैठक की बैठक में राज्य के मंत्री अधिकारी और वकील शामिल हुए मेघालय के सभी पांच कांग्रेस विधायकों ने राज्य में मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल होने का फैसला किया है विधायकों ने इस बारे में राज्यपाल को पत्र लिखा है जिसमें पार्टी बदलने के फैसले से अवगत करवाया गया है त्रिपुरा के पूर्व मंत्री सुदीप रॉय और आशीष कुमार साहा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं दोनों नेताओं ने सोमवार को ही विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है साथ ही बीजेपी भी छोड़ दी है दोनों नेताओं ने कहा कि कई बीजेपी विधायक कांग्रेस में शामिल होने को तैयार हैं। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है कोर्ट ने कहा है कि देश भावना और जुनून से नहीं कानून और संविधान से चलेगा वहीं विवाद के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने राज्य में अगले तीन दिनों के लिए सभी हाईस्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दे दिया है केरल उच्च न्यायालय में मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन के प्रसारण पर रोक लगाने केंद्री के केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले को बरकरार रखा गया है कोर्ट ने कहा है कि मामला सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण वह ऐसी कोई राहत नहीं दे सकती लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिक महाभारत के भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी प्रवीण कुमार सोबती का हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया है वे चौहत्तर वर्ष के थे अहमदाबाद में 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में विशेष अदालत ने 49 लोगों को दोषी करार दिया है इन धमाकों में कुल 56 लोगों की मौत हुई थी अदालत ने 28 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है अदालत ने पिछले साल सितंबर में इस मामले के कुल 77 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई पूरी की थी और अहमदाबाद में हुए धमाकों के तार प्रतिबंधित संगठन हिजबल मुजाहिद्दीन से जुड़े हुए थे और दिसंबर 2009 में कुल 78 लोगों के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई थी बाद में एक आरोपी के सरकारी गवाह बन जाने के बाद कुल अभियुक्तों की संख्या 77 रह गई चार आरोपियों की गिरफ्तारी बाद में हुई थी और उनके मामले की सुनवाई अब भी पूरी होनी बाकी है 26 जुलाई 2008 में 70 मिनट के भीतर गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में कुल 21 धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी जबकि करीब 200 लोग घायल हुए थे टोटल Forty-nine accused were convicted by the designated special judge, Sri A. R. Patel, today and twenty-eight accused were acquitted by the uh, designated judge uh, for bomb blast cases. They are convicted for the offence under Section 302 of IPC and UAPA Act, that is uh, Section 16 and other sections for Terrorist Act. अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में हिमस्खलन की चपेट में आए सेना के सात जवानों के शहीद होने की पुष्टि हो गई है उनके शव हिमस्मल स्खलन स्थल से निकाले गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है पिछले रविवार को अरुणाचल प्रदेश में सीमावर्ती क्षेत्र में गश्त के दौरान सेना के सात जवान हिमस्खलन में फंस गए थे उनको बचाने के लिए विशेष प्रयास किया गया इसके लिए बाहर से विशेष टीमें भी बुलाई गई थी हादसा राज्य के कामेंग सेक्टर में ऊंचाई वाले इलाके में रविवार को हुआ था उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि महान क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के की पौराणिक कहानी भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक साबित होगी उपराष्ट्रपति ने आज ध्यास पंथे चालता पुस्तक के विमोचन के दौरान यह बातें कही ध्यास पंथे चालता महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी से जुड़ी एक साल पुरानी विरासत का ऐतिहासिक लेख है वासुदेव बलवंत फड़के का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वो उन शुरुआती क्रांतिकारियों में से हैं जिन्होंने औपनिवेशक शासन से भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी आई एम हैप्पी टू हैव रिलीज दिस बुक टूडे आई कमेंड द एफर्ट्स बिहाइंड ब्रिंगिंग आउट दिस रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेटिव बुक दट ड्वेल्स इन टू द जर्नी ऑफ एन इम्पॉर्टेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आई होप दट दिस मिल इंस्पायर मेनी मोर बुक्स ऑन द रीजन दिजन्स ऑफ अवर वेरियस हिस्टोरिकल ऑर्गनाइजेशन my best wishes to the 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 maharashtra education society the publishers and the author for their future endeavors केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा अध्यक्ष को जनजातीय समुदाय की समस्याओं से अवगत करवाया साथ ही चर्चा के दौरान दोनों के बीच विकास के विभिन्न आयामों पर भी चर्चा हुई रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की तीन दिन की बैठक मुंबई में शुरू हो गई है बैठक के नतीजों की घोषणा 10 फरवरी को होगी रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति 2022 23 के आम बजट मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं और तनावपूर्ण भू राजनीतिक हालात के बीच अगली मौद्रिक नीति तय करने के लिए विचार विमर्श कर रही है वहीं यूक्रेन और रूस संकट के समाधान के लिए वैश्विक स्तर पर कोशिशें जारी हैं अंतरराष्ट्रीय तो प्रयासों के तहत एक तरफ जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रोन वार्ता के लिए रूस में हैं वहीं दूसरी तरफ जर्मनी के चांसलर शोल्स वाशिंगटन में हैं यूक्रेन सीमा पर जारी तनाव कम करने के लिए मॉस्को पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रोन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन से मुलाकात कर क्षेत्रीय तनाव में कमी को जरूरी बताया उन्होंने तनाव घटाने की कार्यवाही तुरंत करने की बात कही वहीं जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की राष्ट्रपति जो बाइडेन और शोल्स ने यूक्रेन के संकट से निपटने के प्रयासों के तहत व्हाइट हाउस में वार्ता की अमेरिका ने कहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अहम गैस पाइपलाइन नोड स्टीम दो को बाधित कर दिया जाएगा इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने कहा कि केवल अमेरिका और उसके सहयोगी ही हमले की बातें कर रहे हैं इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि रूस के सैन्य खतरे के बीच आवश्यक राजनयिकों को छोड़कर दूसरे अमेरिकियों के लिए यूक्रेन छोड़ देना समझदारी होगी अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन में कार्यरत अपनी गैर जरूरी कर्मियों को वहां से लौटने के लिए अनुमति दे दी है और राजनयिकों के परिवारों के सभी सदस्यों से भी वहां से लौट आने की अपील की है वर्ष 2015 के परमाणु समझौते को फिर से लागू कराने के लिए ईरान और विश्व शक्तियों के बीच बातचीत फिर से शुरू हो गई है ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी रूस और चीन अभी भी ईरान के साथ समझौते के पक्षकार हैं वो इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसके संकेत दिए हैं कि वो समझौते में फिर से शामिल होना चाहते हैं 2018 में अमेरिका को तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से बाहर कर दिया था और ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे चीन ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप से संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दक्षिणी शहर बैस में परिवहन स्थगित कर दिया है और लोगों को घर पर ही रहने का आदेश दिया है साथ ही कक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं गैर जरूरी कारोबार को बंद कर दिया गया है और लोगों की बड़ी पैमाने पर कोविड नाइन्टीन जाँच करने का आदेश दे दिया गया है रेस्टोरेंट को भी केवल भोजन खरीद कर लेने वाले ग्राहकों के लिए ही खोलने को कहा गया है और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं प्रकृति की खूबसूरत तस्वीर के साथ आप देखते रहिए सनसेट टीवी और मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार